सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। दिल के सच्चे लोग भले ही जीवन में अकेले रह जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का साथ भगवान जरूर देता है। जो दूसरों के चेहरों में मुस्कुराहट देखना चाहता है, ऊपर वाला उनकी मुस्कुराहट कभी नहीं छीनता। सफल वही है जो वादे निभाता है, तुरंत अपनी गलती मान लेता है और समय की कीमत समझता है। आज का पंचांग 20 मार्च 2020, दिन शुक्रवार, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, सुबह 7:56 तक रहेगी। श्रवण नामक नक्षत्र शाम 5:05 तक विराजमान रहेगी। इसके उपरांत धनिष्ठा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय सुबह 10:30 से 11:33 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात शुभ समय सुबह 11:44 से 12:32 तक रहेगा। आज चंद्रमा मकर राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मीन राशि पर रहेंगी। मिथुन राशि 20 मार्च 2020, दिन शुक्रवार। अच्छा, आपको दूसरों पर विश्वास करना होगा। यह आपका कोई करीबी या कोई दोस्त हो सकता है और वह आपकी किसी ऐसी विशेष काम में मदद करेगा जिससे आपके भविष्य पर काफी प्रभाव पड़ेगा। लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी यह होगा कि आप उस व्यक्ति में विश्वास बनाए रखें। आपको अपनी ही तरफ से विश्वास की पहल करनी होगी। आप इस समय एक ऐसी स्थिति में हैं जहां आप विकास कर रहे हैं, आर्थिक व्यक्तिगत और व्यावसायिक रूप से तरक्की कर रही हैं। आप अपने शांत दिमाग से व्यक्तिगत और पेशेवर मामलों को अच्छे से संभाल लेंगी। प्रतियोगियों के साथ निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा या गपशप की संभावना है। आज आप पर अपने किए हुए वादे पूरे करने का दबाव हो सकता है। किसी से कोई ऐसा वादा ना करे जो आप पूरा ना कर सके। आपको कुछ अच्छी सूचना मिल सकती है। आपके लिए कार्ड्स के संकेत काफी स्पष्ट हैं। अगर आप प्रयास करते हैं तो आपको मनचाही सफलता या तरक्की आसानी से मिल सकता है। आपको अपने सहयोगियों के साथ मिलजुल कर रहना और नई चीजें सीखने पर फोकस करना होगा। सावधानियां। जब आप बौद्धिक और भावनात्मक रूप से विकास करते हैं तो व्यक्तिगत संपर्क आपको लाभ पहुँचा सकते हैं। अपने आत्मविश्वास को कम न होने दें, यही सफलता की कुंजी है। स्थिर रहने के लिए प्रियजनों के साथ मनोरंजन और किसी खास के साथ रोमांस के लिए समय निकालें। लव लाइफ की बात करें तो आपकी जीवन शैली और आपका सामाजिक दायरा दोनों ही निरंतर बेहतर हो रहे हैं। आपके पार्टनर को इन बदलती हुई परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन आपको इस समय उनकी मदद करनी होगी। आज संबंध और सहायता आपकी प्राथमिकता है और इसके लिए आपको काफी तारीफ भी मिलेगी। इससे आपके संबंध और भी मजबूत होंगे। करियर की बात करें तो ग्रहों की ऊर्जा के प्रभाव के तहत आज आप अपने भीतर की आवाज सुनने के लिए सक्षम हो पाएंगी। इन आवाजों के गहरे अर्थ को आप समझने की कोशिश करें। अगर आप इन्हें समझ लेते हैं तो आप आसानी से काम कर पाएंगे। इसके अलावा स्पष्ट रूप से अपने आप को व्यक्त करने में संकोच ना करें। अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करें और घुमा फिरा कर कहने से बचें। अभी किसी भी तरह के कानूनी मामलों या दुर्घटनाओं को लेकर सतर्क रहें। जीवन का यह चरण आपके पेशेवर जीवन को कई अच्छे और शिक्षा प्रदान करने वाले अनुभवों से नवाजने वाला है। सेहत की बात करें तो आज आप कमजोर महसूस कर सकते हैं। हद से ज्यादा एक्सरसाइज करना और उनके अनुसार पर्याप्त भोजन न करना आपको सारी परेशानियां भी दे सकता है। जुखाम से आपको परेशानी भी हो सकती है। ठंडी चीजों से आज आप बचकर रहें। आज का उपाय, आज आप माँ लक्ष्मी जी के समक्ष घी का दीपक जलाएं।
दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।